Hello students, today I am going to start a new topic of class 11, that is set theory. Students, बहुत मजा आने वाला है. हम start कर रहे हैं नया chapter class 11 का set theory. अब से पहले हमने chapter कभी नहीं पढ़ा, class 10th में कभी नहीं था, लेकिन class 11 के सबसे easy chapters में से एक है जो हम आज start करने वाले हैं. First of all, definition, what is sets? Set is a collection of well-defined objects once again set is a collection of well-defined objects now well-defined jo word hai well-defined ki definition hi sabse important hai set ko explain karne ke liye agar hamare paas objects well-defined nahi hai to wo set nahi hai एग्जाम्पल लेकर बताऊं अगर मैं आपको कि मैं बोलूं द कलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन तो इंडियंस क्या बोलेंगे सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा है ऑस्ट्रेलियंस क्या बोलेंगे नहीं नहीं रिकी पॉन्टिंग बहुत अच्छा है वेस्ट इंडीज वाले बोलेंगे ब्रायन लारा बहुत अच्छा है तो वेल डिफाइंड नहीं है सबके लिए बेस्ट बैट्समैन की डेफिनेशन अलग अलग है तो इसीलिए वो कलेक्शन नहीं है हमारे पास सेट नहीं बोलेंगे हम उसको नाउ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 10 नाउ दिस इज वेल डिफाइंड वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के लिए इवन नंबर लेस देन 10 क्या करूंगा मैं ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 नाउ दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स लेस देन 10 वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के लिए कोई भी पर्सन इसको 2, 4, 6, 8 होगा तो ये वेल डिफाइंड है तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ हमारे पास में जो सबके लिए कॉमन है उसको हम सेट बोलेंगे और फर्दर इसको अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो सेट को हम कैपिटल लेटर ए बी सी से डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाएगा दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम कार्डिनल नंबर क्या होता है कार्डिनल नंबर इन दिस केस दिस इज रिटन एज एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4 दिस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 4 और इन अदर वर्ड्स द कार्डिनल नंबर इज 4 इस टाइप से हमारे पास में इवन नंबर ऑड नंबर नेचुरल नंबर तो इन सबको आगे प्रोसीड करने से पहले हमें क्या करना है नेचुरल नंबर क्या होते हैं वो बताऊंगा मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 होल नंबर्स क्या होते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज 0, 1, 2, 3, 4 -1, -2, -3 दीज आर फॉर इंटीजर्स रियल नंबर्स इंक्लूडिंग ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स -∞ to +∞ रियल नंबर्स में फ्रैक्शन पार्ट भी आते हैं हमारे पास में डेसिमल कलर पार्ट भी आते हैं नेगेटिव भी है पॉजिटिव है सब हमारे पास में आते हैं जो रियल नहीं है उनको क्या बोलेंगे हम इमेजरी नंबर वो भी क्लास 11 का टॉपिक है आगे फर्दर हम इसको पढ़ेंगे इमेजरी नंबर क्या होते हैं छोटी क्लासेस में आपने जरूर पढ़ा कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है हमारे पास +-2 लेकिन ये कभी नहीं पढ़ा कि स्क्वायर रूट ऑफ -4 क्या होता है -4 का स्क्वायर रूट भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं इमेजरी नंबर फर्दर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास एक टॉपिक है चैप्टर है जब हम उस पर पहुंचेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे फिलहाल मैं रियल नंबर तक ही बता रहा हूं आपको क्या होता है ये नंबर्स आपको मालूम होना चाहिए अभी तक जो बताया मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं ध्यान से सुनना समझना इसको सेट थ्योरी टॉपिक है आपका सेट व्हाट इज सेट सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इसमें वेल डिफाइंड को अंडरलाइन किया है क्योंकि इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है वेल डिफाइंड का मतलब जो सभी के लिए कॉमन है ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर्सन के लिए तो वह उसका मीनिंग कुछ और है दूसरे के लिए कुछ और है एक और एग्जांपल लेकर अगर मैं बताऊं कि वर्ल्ड के बेस्ट राइटर्स अब वर्ल्ड के बेस्ट राइटर्स का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं हो सकता क्योंकि अगर किसी को इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है तो उसको स्पोर्ट्स का राइटर पसंद आएगा किसी को पॉलिटिक्स में है तो उसको पॉलिटिक्स का राइटर पसंद आएगा तो सबके लिए बेस्ट की डेफिनेशन अलग अलग हो जाएगी लेकिन एग्जाम्पल जो लिया था ये क्या था कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10
नेचुरल नंबर लेस देन 10 2, 4, 6, 8 ही हो सकते हैं हमारे पास, और 2, 4, 6, 8 अगर हमने यहाँ पे लिखा है तो ये वेरी डिफाइन। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास में इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4 फोर नंबर है, जिसको हम क्या बोलते हैं कार्डिनल नंबर। और लिखने का तरीका क्या है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4। कुछ प्रीवियस क्लास का टॉपिक था ही, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इनफैक्ट रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं, वो भी आपने क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। रियल नंबर्स को बताया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हमारे पास में होते हैं। सेट को डिस्क्राइब करने के हमारे पास दो तरीके हैं, दो मेथड है। एक फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म और दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो एक्चुअल में मैंने 2, 4, 6, 8 लिखे, ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म है जो हमें पता है हमने लिख दिए। अगर मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डिस्क्राइब करना है, बताना है इसको, तो मैं कैसे करूँगा, ए इज इक्वल टू एक्स, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, वेयर n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू 4। फिर से a इज इक्वल टू x, a हमारे पास एक सेट है जो कि x के इक्वल है, सच दैट x जो है वो 2n के इक्वल है, जहाँ n एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है जिसकी वैल्यू 4 या उससे लेस है। क्लियर? या अगर लेस देन का साइन ना लगाता तो मैं क्या लिख सकता था, n इज लेस देन 5, दोनों में से कुछ भी हम लिख देंगे तो हमें यही मिलेगा। दिस इज रोस्टर फॉर्म, दिस वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। अगेन रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जो एक्चुअल एलिमेंट है हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं, तो वो रोस्टर फॉर्म हो जाता है। जब उसको हम सिम्बॉलिक फॉर्म में इस टाइप से लिखते हैं तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ईजी है टॉपिक, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कार्डिनल नंबर जितने हमारे पास नंबर है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो समरी इस पूरे टॉपिक के हमारे पास ये तीन ही है। पता होना चाहिए आपको सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन क्या है, कार्डिनल नंबर क्या है हमारे पास में, रोस्टर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ टाइप ऑफ सेट्स, सेट्स के टाइप्स क्या होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। कितने टाइप के सेट होते हैं, सेट कितने टाइप की, अगर उसको डिस्क्राइब करते जाएं तो सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब जिसमें एक ही एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। एम्प्टी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, एम्प्टी सेट। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट। ये कुछ सेट्स हैं जिसको मैं बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर लेता हूँ। नाम में वैसे सब कुछ पता चल जाता है। सिंगलटन सेट मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है। अगर इसका एग्जांपल दूं, अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 4 इज अ सिंगलटन सेट, बिकॉज वी नो देयर इज ओनली वन नंबर, दैट इज 3। अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 4 इज अ सिंगलटन सेट, एग्जांपल ऑफ सिंगलटन सेट। एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कोई भी हमारे पास में एलिमेंट नहीं है, खाली है। वॉइड सेट उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। कैसे, अ नंबर विच इज लेस देन 3 बट मोर देन 4, 3 से लेस और 4 से मोर, ऐसा कोई नंबर नहीं होता हमारे पास। या नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 4, 3 और 4 के बीच में नेचुरल नंबर एक भी नहीं होता। हाँ, नेचुरल वर्ड हटा दूँ तो बहुत सारे नंबर होते हैं, इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। फाइनाइट सेट जिसके हमारे पास नंबर्स फिक्स हैं, इस कार्डिनल नंबर में कुछ फाइंड कर सकता हूँ, नंबर हैं 1, 2, 4, 10, 15, 1,00,000, 2,00,000 कुछ तो हैं। इनफाइनाइट सेट्स जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें नहीं पता, हम पता नहीं लगा सकते। जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, अब कितने नेचुरल नंबर है इसमें हमें नहीं पता, तो ये इनफाइनाइट सेट होता है। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं जिसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उस सेट के वो सब इक्वल हैं। इक्वल मीन्स, एग्जांपल लेकर बताऊं, ए एक सेट है से
ए ई आई ओ यू, क्या है ये सभी इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू। बी हमारे पास एक सेट है V is equal to X such that X is a vowel of English alphabet. इन दोनों का एक ही मीनिंग है, बट वो सेटबेटर फॉर्म में है, वो रोस्टर फॉर्म में है। जब मैं C एक और लिख दूं जिसके अंदर क्या होगा U O I A E, इनकी सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तीनों के तीनों हमारे पास में इक्वल सेट्स हैं, सभी एलिमेंट्स इक्वल हैं। इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं, जिसका कार्डिनल नंबर सेम होता है। मतलब कि D मैंने एक सेट लिया से 1 2 3 4 एंड 5, D एक सेट लिया 1 2 3 4 एंड 5, नाउ N ऑफ D क्या है मेरे पास 5, इस केस में N ऑफ A भी मेरे पास क्या था 5, तो दे आर इक्विवेलेंट सेट्स। आई होप आप सभी को आज का जो सेशन है वो क्लियर हो गया होगा, सिंपल है इजी है, आप बहुत इजीली इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक बार देखो, दो बार देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी के डाउट्स मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। इसी के साथ मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ।